कि दिल्ली में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि आंदोलनों के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार दिल्ली की सीमाओं पर 19 दिनों से किसान आंदोलन वहां पर कर रहे हैं और ये आंदोलन अब 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सोमवार को भूख हड़ताल का काफी असर देखने को मिला है। देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए और सरकार ने भी किसानों को मनाने के लिए अगले दौर की बैठक की जो तैयारी है वो कर रही है। और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यहाँ पर कहा है 10 और संगठन सरकार से मिले हैं, सरकार के समर्थन में आगे हैं और हम कृषि कानूनों की हर धारा पर बात करने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा है कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। किसान नेताओं को अब यह तय करके बताना है कि वो अगली बैठक कब करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि बैठक निश्चित रूप से होगी और अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनके साथ संपर्क में है। ये वो तस्वीरें हैं जो किसान मिले हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से और उन्होंने सहमति जताई है इन कानूनों पर। और लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है, किसान आंदोलन आज 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आज एक अहम बैठक किसानों की होनी है जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। उस रणनीति में क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से आगे की बातचीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है, किस तरीके से आज का दिन जो है वो रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, इस तरीके से किसान जो है अभी तक कहीं ना कहीं आंदोलन पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दिन का भूख हड़ताल भी की गई थी और कहीं ना कहीं उससे किसान सरकार को फर्क जरूर पड़ता नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के अंदर किसानों को लेकर लगातार उथल पुल चल रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है सरकार को। सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ती हुई भी नजर आ रही है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो अभी तक तैयार है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि किसान चाहें जब चाहें और जिस समय चाहें वो कितनी बड़ी संख्या में आना चाहते हैं वो भी वो बैठक यानी बातचीत का जो दौर है वो करने के लिए तैयार है अभी भी। मगर किसान भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी हम बेशक बातचीत कर ले मगर बातचीत का सलूशन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उनको भी पता है जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर जितने भी बात करें अभी तक 18 से 19 दिन हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो किसान है वो अभी भी डटे हुए हैं, दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि सिंधु बॉर्डर की बात करें या और बॉर्डरों की बात करें, तमाम बॉर्डरों पर दिल्ली के जो कह सकते हैं जो किसान है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो हरियाणा का है या फिर यूपी का है या फिर राजस्थान का है, तमाम ऐसे किसान हैं जो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को हर तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है कि सरकार को किसी भी तरीके से इस कानून को वापस लेना पड़े। मगर देखना है जिस तरीके से बार बार सरकार कह रही है कि हम लोग बातचीत के तरीके से ही मामले सोल्यूशन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बैठकर इसका सोल्यूशन किया जा सकता है, मगर लगभग 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार ने कह सकते हैं प्रदर्शन भी देखा, भूख हड़ताल भी देखी और यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी देखा, यहाँ तक कि पंजाब से रैली चलकर पूरी दिल्ली तक आई, दिल्ली का घेराव भी किया। हर तरीके से सरकार देख जरूर रही है मगर सरकार अभी भी एक ही रणनीति बना रही है, किसी भी तरीके से किसानों को वापस किया जाए ताकि उनको चाहे वो समझाने के द्वारा हो या फिर उनको कहा जाए कि महिलाएं हैं आप बच्चे हैं आपके साथ इनको वापस भेज दिया जाए या फिर क्या कोरोना काल है तो उसकी तरफ से वापस भेज दिया जाए, मगर कहीं ना कहीं किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम जाने वाले नहीं है और सरकार जब तक बिल वापस नहीं करेगी यानी कानून वापस नहीं करेगी कृषि कानून वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे दिल्ली की सड़कों पर जी। लेकिन राजीव, जो 10 संगठन कृषि मंत्री से मिले हैं जिसके बारे में कृषि मंत्री ने खुद जानकारी दी है कि 10 संगठन किसान कानूनों के समर्थन में आए हैं, वो कौन से संगठन है, कौन से किसान है, कितने किसान उनसे जुड़े हुए हैं? देखिए बिल्कुल राजीव, इस तरीके से लगातार जो 8 दिसंबर को भी देखने को मिला था अमित शाह से कुछ किसान संगठन थे वो भी मिले थे और कहीं ना कहीं बैठकों का दौर था वो भी चला था। मगर एक चीज स्पष्ट है, जब कल का जो क्या कह सकते हैं कल की जो प्रक्रिया थी किसानों की यानी कि भूख हड़ताल की और जिसमें विपक्ष ने पूरी तरीके से साथ दिया था, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने भी साथ दिया था और जनता से भी अपील की थी कि एक दिन का उपवास रखे, मगर उसी को लेकर कल कृषि मंत्री से भी 10 जो किसान संगठनों के दल थे वो भी मिले। मगर लगातार किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है ये चुनिंदा वो दल है जो बीजेपी के खुद के दल है यानी कि कह सकते हैं बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता है, बीजेपी के खुद के नेता है,
वही किसान सरकार से मिल रहे हैं, ना कि जो किसान संगठनों का दल है यानी कि जो बड़ा दल है वो नहीं मिल रहा है सरकार से। मगर सरकार को सिर्फ एक ही कहा जा रहा है, हम बेशक आप हमारे किसी भी दल से बात कर लीजिए, जब तक कानून वापस नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं है। मगर जो दल मिल रहा है यानी कि जो ग्रुप मिल रहा है सरकार से, वो सिर्फ सरकार की खाना पूर्ति कर रहा है, यानी कि सरकार की चापलूसी कर रहा है कि आपने कानून अच्छा बनाया है, अगर कानून आप वापिस लेंगे तो हम धरने पर बैठेंगे आपके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत जिस तरीके से एक दो दलों के अंदर किसान संगठन है या फिर किसान जो प्रदर्शन है वो दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है, और सरकार इसी नीति को अपनाने की कोशिश कर रही थी कि लगातार किसानों को फूट डाले और राज करो, यानी कि अंग्रेजों वाली नीति इस्तेमाल की जा रही थी, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब किसान दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, सरकार जो से जो दल बात कर रहा है, चाहे वो 10 दल हो या 13 दल हो या उनके 13 नेता हो, वो सिर्फ वही नेता हैं जो बीजेपी के खुद के खेमे के हैं, ना कि जो और दलों के हैं या फिर और जो नेता हैं वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। सरकार किसानों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि बेशक आप कितनी भी बातचीत कर लिए, जब तक कानून वापस नहीं हम पीछे हटने वाले नहीं है। जी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी, अगली जो बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच उसको लेकर के आज रणनीति बनाने का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, कितने बजे वो बैठक होनी है और क्या कुछ उसमें निष्कर्ष निकल सकता है, क्या कुछ इरादा किसानों का फिलहाल? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज 12 बजे करीब बैठक होगी, 12 बजे की बैठक के अंदर रोज मंथन होता है कि किसानों को किस तरीके से घेरा जाए, किसानों को सरकार को किस तरीके से प्रेशर दिया जाए, ये सारी रणनीति किसान बनाते हैं, और इसमें तमाम जो संगठन है या दल है वो उनके नेता शामिल होते हैं, और तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो भी इसमें शामिल होते हैं, सबको बताया जाता है किस तरीके से हमने आगे की प्रक्रिया अपनानी है। मगर बात करें जिस तरीके से जो किसी कृषि मंत्री से जो दल मिले हैं, यानी कि 10 दल जो मिले थे, वो भी आज किसानों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे कि इस कानून से कितना फायदा है कितना नुकसान है। मगर अभी भी किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है, बेशक वो कितनी भी दल बात कर ले, 10 दलों से बात करें, 13 दलों से बात करें या 25 दलों से बात करें, जब तक सरकार वापस कानून नहीं लेगी हम पीछे नहीं हटेंगे, और ज्यादा इस कानून इस प्रदर्शन को और ज्यादा बड़ा बनाएंगे और ज्यादा पूरे देश के अंदर फैलाएंगे, ताकि सरकार को कहीं ना कहीं फर्क पड़ता नजर आए। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये जो आंदोलन है वो बढ़ रहा है, आज 20वां दिन है जब किसान लगातार सीमा पर डटे हुए हैं, सड़कों पर हैं, अन्नदाता भूख हड़ताल भी की जा चुकी है, टोल फ्री भी किया जा चुका है, हाईवे जाम भी किए जा चुके हैं, लेकिन अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है किसान आंदोलन की तरफ से, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करेंगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से किसान आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की बात है, अब वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती चल नजर आएगी, क्योंकि अब जब किसानों की बात करें तो आज बेशक 12 बजे करीब उनकी बैठक होगी, बैठक के अंदर अगला दौर जो यानी कि अगली रणनीति क्या होगी वो जब डिसाइड की जाएगी। मगर एक चीज स्पष्ट है कि किसान जो है वो सरकार को हर तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हर राज्य के अंदर हर गांव के अंदर जितने भी बीजेपी के जो नेता है उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला जाएगा, उनके यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा, यहाँ तक कि जो कहा गया था कि 14-12 तारीख को के जितने भी नेता हैं बीजेपी के उनके घरों के बाहर उनके ऑफिसों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, जिला अधिकारी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा करने की कोशिश भी की थी, और वहां पर पुलिस व्यवस्था भी की गई थी और जिनको प्रदर्शन करने नहीं दिया। मगर हाँ, कुछ जगहों पर प्रदर्शन जरूर हुआ था, मगर कहीं ना कहीं अभी भी यही किसान रणनीति बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से हर बीजेपी नेता को या हर कह सकते हैं अधिकारी को घेरा जाए, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बन सके, और प्रेशर जब तक नहीं बनेगा सरकार पीछे हटेगी नहीं। और इसीलिए किसान संगठन जितने भी हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि सरकार को किसी भी तरीके से घेरा जा सके। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान लगातार डटे हुए हैं, सड़कों पर हैं, वहीं कुछ ऐसे भी संगठन हैं, कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जो केंद्र सरकार से मिल रहे हैं और जाकर के इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और लगातार इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानूनों को वापस नहीं लेंगे, और इसी के विरोध में यह लगातार आंदोलन बढ़ रहा है। आज 20वां दिन किसान आंदोलन का, और किसान आज एक अहम रणनीति बनाने वाले हैं सरकार के खिलाफ। ये देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा उस बैठक के बाद। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।